दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम शेक्सपियर द्वारा लिखे गए प्ले हैमलेट की थीम्स, सिंबल्स और मोटिव्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा एक दूसरा वीडियो, जिसमें हमने हैमलेट की एक डिटेल्ड समरी, इस प्ले की स्टोरी की एक डिटेल्ड समरी समरी एक्सप्लेन की है, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, ताकि आपको इस पूरे प्ले की स्टोरी का एक पूरा ओवरव्यू आइडिया लग जाए। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कर सकते हैं। उस लिंक को फॉलो कर आप उस पर दिए हुए वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको इस प्ले की पूरी स्टोरी का नॉलेज हो जाए। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो अच्छा, ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे थीम्स को। हम 10 थीम्स को एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो के अंदर। पहली थीम है रिवेंस, देन मैडनेस, मॉर्टेलिटी, करप्शन, रिलीजन, पॉलिटिक्स, एक्शन एंड इनएक्शन, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, वीमेन, डाउट। तो जो पहली थीम है रिवेंज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है इस प्ले के अंदर, और मतलब कि एक देखा जाए तो नंबर 1 थीम है इस प्ले की, क्योंकि जो पूरा प्ले है एक तरह से रिवेंज पर, प्रतिशोध पर ही टिका है। जो हैमलेट है, उसके पिता की एक तरह से षड्यंत्र रच के हत्या कर दी गई है उसके चाचा के द्वारा, क्लोडियस के द्वारा। तो अब हैमलेट को एक्चुअली अभी कंफर्म नहीं है कि वास्तव में जो क्लोडियस ने है उसी ने उसके पिता की हत्या की है क्या, तो इसलिए वो इस चीज़ को कंफर्म करता है। एक बार कंफर्म होने के बाद में वो ये निश्चित हो जाता है कि हाँ, उसके पिता की हत्या क्लोडियस ने की है। तो वो उसका बदला लेने के लिए फिर प्लानिंग करता है, और वो अंततः उसका बदला लेकर रहता है। उसी तरह से देखा जाए तो जो लेटेस है वो भी हैमलेट से बदला लेना चाहता है, क्योंकि जो हैमलेट है उससे जाने अनजाने में जो लेटेस के पिता पोलोनियस है उसकी हत्या हो जाती है, जब वो उस पर जासूसी कर रहा होता है तब। तो अब लेटेस भी हैमलेट से बदला लेना चाहता है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो रिवेंज की थीम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है। हैमलेट अपने पिता के हत्यारे क्लोडियस से बदला लेना चाहता है, लेटेस अपने पिता के हत्यारे हैमलेट से बदला लेना चाहता है। तो इस तरह से देखा जाए तो रिवेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है इस प्ले की। जो दूसरी इंपॉर्टेंट थीम है वो है मैडनेस। तो ये जो थीम है मैडनेस की, वो भी काफ़ी डोमिनेंट थीम है इस प्ले के अंदर। जो हैमलेट है वो मतलब एक तरह से मैड बिहेवियर शो करता है, और वो खुद कहता है कि वो मैड बिहेवियर इसलिए शो करता है कि जो उसके आसपास के लोग हैं उनको पता लग सके कि वो किस तरह के पेन से गुजर रहा है, किस तरह के दर्द से गुजर रहा है कि उसके पिता की हत्या कर दी गई है। तो वो किस तरह के दर्द से गुजर रहा है, और वो कैसे इस लॉस ऑफ हिज फादर एंड बिट्रेयल बाई हिज अंकल एंड मदर, इसको कैसे वो सहन कर रहा है। तो जो उसकी मदर है गर्ट्रूड, उसको तो लगता है कि ओनली एक नॉर्मल मैडनेस है और कोई खास बात नहीं है। जो पोलोनियस है उसको लगता है कि वो मैडनेस ऑफ लव, प्यार में पागल है इसलिए। लेकिन जो क्लोडियस है उसको ऐसा नहीं लगता, उसको लगता है कि जरूर इसको कहीं ना कहीं मेरे षड्यंत्र पर डाउट हो गया है, और ये मेरे से बदला ले सकता है। और अंततः जो क्लोडियस है उसका ये डाउट सही निकलता है, हैमलेट उसको कम्प्लीटली एक्सपोज करता है और अंततः उसको एक तरह से मार देता है। तो इस तरह से जो ये मैडनेस है पूरे प्ले के अंदर, जो ये हैमलेट की मैडनेस है वो कहीं ना कहीं एक चलती रहती है रेगुलरली, कंटिन्यूअसली मैडनेस कहीं ना कहीं उसके एक्शंस में, उसके डायलॉग्स में कहीं ना कहीं ये मैडनेस रिफ्लेक्ट होती है। तो जो नेक्स्ट थीम है वो है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है इस प्ले की। जो हैमलेट है वो काफ़ी कंफ्यूज है अबाउट लाइफ एंड डेथ एंड लाइफ आफ्टर डेथ, और क्या जो नो इंसान मर जाते हैं वो मतलब उनके बाद मरने के बाद में क्या होता है, क्या जो राजा होता है वो क्या हेवन में जाता है ना। और ये सब बातें उसके दिमाग में इसलिए आती है क्योंकि वो अपने पिता की जो डेथ है, जो कि षड्यंत्र रच के उसको मारा गया था, उससे वो काफ़ी प्रभावित है, उसकी साइकोलॉजी काफ़ी प्रभावित है इस चीज़ से। और जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट आता है जब हैमलेट ग्रेवयार्ड के अंदर, एक्ट 5 के अंदर ग्रेवयार्ड सीन के अंदर, जब वो देखता है कि योरिक जो कि एक जेस्टर है, कोर्टली जेस्टर है, वो हैमलेट उसको बहुत प्यार करता और रेस्पेक्ट करता था, वो देखता है कि वहाँ उसका स्कल है। तो ये इस बात को रियलाइज कराता है कि जो डेथ है वो लोगों में डिफरेंस को ख़त्म कर देता है, कि चाहे से कोई राजा हो या भिखारी हो, वो सब जाकर डेथ जब उनकी मृत्यु आती है तो सब बराबर हो जाते हैं, सबको वही
देखा जाए तो 5-6 फीट का ताबूत चाहिए होता है, उतनी जमीन चाहिए होती है उनको दफनाने के लिए। तो वहां पर वो उनका सबका लेवल बिल्कुल समान हो जाता है, मतलब जो डेथ है वो डिफरेंस अमंग द पीपल उसको खत्म कर देती है एक तरह से। और इस प्ले के अंदर देखा जाए तो जो 9 प्राइमरी करेक्टर्स है उनमें से 8 करेक्टर्स तो एट द एंड ऑफ द प्ले खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से जो ये मोर्टेलिटी डेथ ये जो थीम है वो काफी इंपॉर्टेंट है इस प्ले के अंदर, क्योंकि 9 में से 8 जो इंपॉर्टेंट करेक्टर्स है वो तो प्ले के एंड में खत्म ही हो जाते हैं। तो इस तरह से जो मोर्टेलिटी है वो काफी इंपॉर्टेंट थीम है इस प्ले की। और हैमलेट देखा जाए तो डेथ से डरता नहीं है, लेकिन वो डरता डेथ के बाद में जो लाइफ है ना, उसकी अनसर्टेनिटी, उसकी अनिश्चितता, उससे ज्यादा वो डरता है। जो नेक्स्ट थीम है वो है करप्शन की। तो जो डेनमार्क की सोसाइटी है उसके अंदर एक तरह से देखा जाए तो करप्शन घुस गया है। करप्शन कैसे घुसा है कि जो क्लोडियस है उसने जब सीनियर हैमलेट को खत्म किया, उसके खिलाफ षड्यंत्र रच के उसको मार दिया और उसकी वाइफ से उसने शादी कर ली और वो खुद उसकी जगह राजा बन गया। तो एक तरह से ये एक करप्शन था क्लोडियस के अंदर जिसके कारण से उसने ऐसा किया। तो इस तरह से जो ओल्ड हैमलेट है उसको मारना, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचकर उसको खत्म कर देना, एक तरह से वो उस डेनमार्क का जो राष्ट्र है उसकी हेल्थ को बता रहा है कि उसकी जो नो सोशल हेल्थ वो कितनी खराब है, वो कितना जो डेनमार्क का जो नेशन है स्टेट वो कितना एक तरह से करप्ट हो गया है कि एक जो इललेजिटिमेट राजा है उसको भी उन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो इस तरह से जो हैमलेट है उसके दिमाग में जो करप्शन की इमेजेस हैं वो हर वक्त चलती रहती है और उसको लगता है कि उसके साथ में बहुत गलत हुआ है, उसके पिता के साथ में बहुत गलत हुआ है और वो इस करप्शन का जिम्मेदार अपने अंकल क्लोडियस को मानता है। और एक सीन के अंदर जब हैमलेट है पोलोनियस को मार देता है और पोलोनियस की बॉडी को एक ऐसी जगह छुपाता है जहाँ पर उसकी जो बॉडी है वो जल्दी से जल्दी मतलब ना खत्म हो जाए और जल्दी से जल्दी उसकी बॉडी डिके हो जाए। तो ये भी एक इमेज है करप्शन की जो कि सीक्रेट प्लेसेस के अंदर इस तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं। और इन सब चीज़ों से मतलब पूरी का पूरा जो देश है वो प्रभावित होता है, मतलब राजमहल के अंदर जो करप्शन होता है, राजा के महल के अंदर जो करप्शन होता है, जो षड्यंत्र रचे जाते हैं उन सबसे देखा जाए तो मतलब पूरा राष्ट्र प्रभावित होता है और पूरे राष्ट्र की जो सोशल हेल्थ है, मॉरल हेल्थ है, इथिकल हेल्थ है, वो राजा के महल में किस तरह का सीन चल रहा है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करती है। तो इस तरह से ये करप्शन वाली थीम है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है इस प्ले की। जो नेक्स्ट थीम है वो है रिलीजन की, धर्म की। इस रिलीजन वाली थीम के अंतर्गत इस प्ले के अंदर काफ़ी रिलीजन के मार्कर्स है, कुछ ओपिनियंस है, रिलीजन के कुछ विचार है। जैसे जो हैमलेट है वो उसका जो एक इम्पोर्टेंट ये लाइन है, टू बी और नॉट टू बी इज इंटरप्रेटेड ऑन द लाइन्स ऑफ रिलीजियस थिंकिंग अबाउट सुसाइड। ठीक है, तो वो उसको लगता है कि सुसाइड अगर करना जो है वो एक सिन होता है और सुसाइड करने वाला आदमी जो हेल के अंदर जाता है। और साथ ही साथ वो क्लोडियस को प्रेयर करने के दौरान नहीं मानना चाहता था क्योंकि उसे लगता है कि जो प्रेयर करते वक्त अगर मारते हैं तो वो बंदा हेवन में जाता है और वो कभी भी नहीं चाहता था कि जो क्लोडियस है वो हेवन में जाए, इसलिए उसे वो प्रेयर करने के दौरान नहीं मानना चाहता था। होरेशियो द्वारा जो अंत में जो रिलीजियस एक्सप्रेशंस किए जाते हैं जो फॉर्म ऑफ प्रेयर है वो कहता है कि फ्लाइट्स ऑफ एंजल्स सिंग डू डी टू द रेस्ट। इट मीन्स मतलब इसका मतलब हुआ कि जब हैमलेट लास्ट में मर जाता है, खत्म हो जाता है, तो जो उसका दोस्त है वो ये लाइंस बोलता है। तो वो कहता है कि जो एंजल्स है वो तुमको नो रेस्ट करते हुए देख रही हैं, एक तरह से एंजल्स तुमको रेस्ट करते हुए देख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब एक रिलीजन काफ़ी डोमिनेंट रोल प्ले करता है इस प्ले के अंदर, अंत तक काफ़ी डोमिनेंट रोल प्ले करता है। क्रिश्चियन आइडियाज अबाउट मोर्टेलिटी एंड आफ्टर लाइफ, अबाउट क्रिश्चियन जो धर्म है उसका मोर्टेलिटी और आफ्टर लाइफ के बारे में जो फिलोसफी है वो इस प्ले के अंदर बताई जाती है। क्रिश्चियन धर्म की जो नोशंस है अबाउट एक्सेप्टेंस, प्रोविडेंस, फॉरगिवनेस, ठीक है, अबाउट मर्डर, सुसाइड, रिवेंज, इनके बारे में जो क्रिश्चियन धर्म की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं इस प्ले के अंदर रिफ्लेक्ट होती है।
तो इस तरह से जो रिलीजन की थीम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थीम है इस प्ले के अंदर। नेक्स्ट थीम है वो है पॉलिटिक्स। तो ये पॉलिटिक्स की थीम है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थीम है इस प्ले के अंदर, क्योंकि हेमलेट एक तरह से देखा जाए तो पॉलिटिकल ड्रामा है। हेमलेट के अंकल ने हेमलेट के पिता को ख़त्म कर दिया ताकि वो खुद एक राजा बन सके। वो राजा बनने के बाद में वो उसकी मदर से शादी भी कर लेता है, और उसके बाद में पूरे राजमहल के अंदर देखा जाए तो एक तरह से पूरी राजनीति चल रही है, पूरी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। हर बंदा किसी ना किसी साइड में है और वो दूसरी साइड के अगेंस्ट में एक तरह से कॉन्स्पिरेसी रच रहा है। हैमलेट है वो अपने पिता की मृत्यु पिता की हत्या का बदला लेना चाहता है, इसलिए वो उसके लिए तैयारियां करता है और इस तरह से सबूत इकट्ठे करता है ताकि ये बात प्रूव हो सके कि जो क्लोडियस है उसने ही उसके पिता को मारा था। और साथ ही जो क्लोडियस है उसको डाउट हो जाता हैमलेट पर कि वो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट में जा रहा है और उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तो इसलिए वो बहुत से जासूसों को हैमलेट के अगेंस्ट हैमलेट पर निगरानी रखने के लिए लगा देता है। स्पेशली जो पोलोनियस है वो काफ़ी हैमलेट पे नज़र रखता है और काफ़ी षड्यंत्र रचता है उसके अगेंस्ट में। हालांकि अंत में वो हैमलेट के हाथों मारा जाता है गलती से। तो कुल मिला के बात यह है कि ये एक पॉलिटिक्स वाला प्ले है, पॉलिटिकल ड्रामा है, और इसके अंदर जो पॉलिटिक्स की थीम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरी मतलब एक तरह से राजनीति है, हर मतलब जो ये पूरा प्ले है एक तरह से राजसत्ता को हथियाने के लिए ही शुरू होता है और राजसत्ता को बचाने पर ही खत्म होता है एक तरह से। तो उसके लिए कंप्लीट पॉलिटिक्स चली जाती है, तो एक तरह से ये कंप्लीट पॉलिटिकल ड्रामा है। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक्शन और इनएक्शन की थीम को। तो जो हैमलेट जो प्ले है वो लिटरेरी ट्रेडिशन में एक रिवेंज प्ले है। मतलब उसके अंदर रिवेंज प्ले के अंदर एक पर्सन नॉर्मली एक आदमी जिसको रिवेंज लेना है किसी और बंदे के अगेंस्ट में, क्योंकि उसने उसके खिलाफ कुछ गलत किया है। अब इस प्ले के अंदर हैमलेट को बदला तो लेना है लेकिन वो कंफ्यूज है। कंफ्यूज ऐसे है कि वो श्योर नहीं है। पहले तो वो श्योर ही नहीं होता कि जो क्लोडियस है क्या उसी ने उसके पिता को मारा है, लेकिन जब उसके बाद में वो श्योर हो जाता है कि भाई हाँ उसके पिता को मारा है, तब उसे ये लगता है कि क्या उसे क्लोडियस को मारना चाहिए, क्योंकि क्लोडियस को अगर वो मारता है तो एक तरह से वो मतलब गलत कर रहा है, क्योंकि किसी को भी मारना अच्छी बात नहीं होती। तो फिर वो सोचता है कि अगर वो बदला नहीं लेगा अपने पिता की हत्या का तो उसे मतलब खुद को भी गलत फील होता है। तो वो सोचता कि फिर इससे अच्छा तो ये कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ, लेकिन सुसाइड करना भी उसे सही नहीं लगता। तो एक तरह से वो कन्फ्यूज हो जाता है कि वो कुछ करना तो चाहता है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। मतलब वो एक्शन लेना तो चाह रहा है लेकिन कुछ भी एक्शन ले नहीं पा रहा। इस कारण से वो एक कन्फ्यूज हो जाता है, जिसमें उसकी इस प्ले के एक फेमस लाइन है, टू बी और नॉट टू बी। मतलब वो एक कन्फ्यूज स्टेट में है कि वो कुछ करे या ना करे। तो मतलब इस तरह से वो कन्फ्यूज रहता है कि या तो वो क्लोडियस को मारे, और अगर क्लोडियस को नहीं मारता है तो वो खुद को मार ले ताकि उसको इस चीज़ का पछतावा ना हो हर दिन कि वो क्लोडियस को क्यों नहीं मार रहा है। लेकिन अंत में जब हैमलेट के फादर का घोस्ट आता है और उसको वो फादर का घोस्ट हैमलेट को कमांड करता है कि वो उसकी मृत्यु का बदला क्लोडियस से ले, तो वो एक तरह से क्लोडियस बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि उसे बदला लेना है अपने पिता की मृत्यु का, अपने पिता की हत्या का बदला लेना है। और वो काफ़ी कोशिश करता है क्लोडियस को ख़त्म कर सके, लेकिन वो प्लानिंग्स मतलब हर बार वो कुछ ना किसी ना किसी कारण से मिस कर जाता है। और जो वो प्लानिंग करता है कि क्लोडियस को ख़त्म कर दे, उसकी वो प्लानिंग लंबी की लंबी खिंचती जाती है, क्योंकि वो हर बार किसी ना किसी छोटे मोटे कारण से क्लोडियस को मारने से रह जाता है। और हैमलेट ने क्योंकि ये डिसीजन क्लोडियस को मारने का काफ़ी अंत में जाकर लिया था, और इधर क्लोडियस और लेटस उन्होंने भी प्लानिंग कर ली थी हैमलेट को मारने की, क्योंकि जो लेटस है उसे लगता है कि हैमलेट ने उसके पिता पोलोनियस को मारा है, साथ में ही ऑफेलिया जो लेटेस की बहन है उसको भी वो भी हैमलेट की वजह से ही मरी है। तो मतलब जो लेटेस है वो अपने पिता और बहन की मृत्यु के लिए हैमलेट को दोषी ठहराता है और इसलिए वो हैमलेट को मारना चाहता है। तो अंत में स्टोरी के होता यह है कि हैमलेट क्लोडियस को मार तो देता है लेकिन साथ ही साथ में जो लेटेस है वो भी हैमलेट को मार देता है। तो देखा जाए तो ये जो इनएक्शन एक्शन और इनएक्शन वाली थीम है
वो एक तरह से हैमलेट की मोरल स्ट्रगल है, खुद की अंदर की एक आंतरिक संघर्ष है कि वो टू बी और नॉट टू बी, मतलब कि वो रिवेंज ले या ना ले, मतलब वो क्लोडियस को मारे या क्लोडियस को नहीं मारता हो तो क्या वो खुद को मार ले। तो ये खुद की उसके अंदर की एक मोरल स्ट्रगल है जो कि बाहर एक्शन और इनएक्शन की फॉर्म में आता है। मतलब अगर इसको एक लाइन में बोले तो जो हैमलेट की इनर स्ट्रगल टू बी और नॉट टू बी, रिवेंज ले या ना ले, वही चीज उसके एक्शन और इनएक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। तो इस तरह से जो एक्शन और इनएक्शन है वो भी एक इंपॉर्टेंट थीम है इस प्ले की। जो नेक्स्ट थीम है वो है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। तो जो शेक्सपियर की जो प्लेज होते हैं उनमें जो अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम होती है, वो लगभग हर प्ले के अंदर अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी एक थीम रहती ही रहती है कि करेक्टर्स जैसे दिखते हैं रियलिटी में वैसे होते नहीं है, मतलब होते तो कुछ और है, दिखते कुछ और हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस हैमलेट वाले इस प्ले के अंदर जो क्लोडियस है वो काफ़ी इनोसेंट अपियर होता है और उसकी जो स्माइल है वो काफ़ी करिश्मेटिक होती है, लेकिन असली में रियलिटी में वो एक विलेन है। हैमलेट भी उसको बोलता है स्माइलिंग विलेन, मतलब हैमलेट जो वर्ड्स यूज करता है उसके लिए वो यूज करता है स्माइलिंग विलेन, कि हमेशा स्माइल करता रहता है। और उसकी जो पर्सनैलिटी है क्लोडियस की वो एक मतलब काफ़ी करिश्मेटिक है, लेकिन दरअसल वो एक विलेन है क्योंकि उसने हैमलेट के पिता की हत्या की थी और उसको षड्यंत्र से मारकर खुद उसकी जगह राजा बन गया था। और दूसरी तरफ देखें तो जो ये हैमलेट की जो मैडनेस है जिससे लगभग और सब परेशान होते हैं उसकी मैडनेस से, चाहे से उसकी जो गर्लफ्रेंड है ऑफेलिया हो, उसकी मदर हो, उसका अंकल और स्टेप फादर क्लोडियस हो, वो सब उसकी मैडनेस से परेशान होते हैं कि ये इस तरह का बिहेव क्यों करता है। लेकिन एक्चुअली जो हैमलेट है वो मैड नहीं होता, वो जस्ट ऐसा बिहेव करता है ताकि अपनी मैडनेस के पीछे वो अपनी मतलब इन्वेस्टिगेशन कर सके कि किसने उसकी पिता की हत्या की है और उस हत्या का बदला लेने के लिए वो प्लानिंग कर सके। तो वो ऊपर से तो मैड दिखता है लेकिन मैड होता नहीं है, वो उस मैडनेस की कवर के अंदर अपनी प्लानिंग्स बनाता रहता है। और जो दूसरा एग्जांपल लें तो जो ऑफेलिया है वो हैमलेट को प्यार तो करती है लेकिन तो भी वो मतलब उस ऐसा दिखाती है जैसे वो उससे प्यार नहीं करती है, और वो उसके अफेक्शंस जो हैमलेट उसके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करता है उसको वो नज़रअंदाज करती है, मतलब ऐसा करने की वो एक्टिंग करती है। मतलब देखा जाए तो रियलिटी में तो वो प्यार करती है लेकिन दिखाती ऐसा है जैसे उसे वो प्यार नहीं करती। तो इस तरह देखा जाए तो जो ये थीम है अपेयरेंस और रियलिटी की काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है। जो करेक्टर्स जैसे हैं वैसा दिखाते नहीं है, रियलिटी में कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं। नेक्स्ट जो थीम है वो वीमन की है, वीमन। तो एक्चुअली इस प्ले के अंदर दो ही इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं, दो फीमेल करेक्टर्स हैं वीमेन के। एक तो है हैमलेट की मदर गर्ट्रूड और दूसरी है ऑफेलिया। और जो हैमलेट है वो इन दोनों करेक्टर्स के ही एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगेंस्ट है, हालांकि वो उनका केयर करता है लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट है। जैसे वो अपनी मदर गर्ट्रूड के अगेंस्ट में ऐसा है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता के खत्म होने के बाद में उसने जल्दी से शादी कर ली, और जल्दी से शादी करने का मतलब ये हुआ कि वो उसके पिता से प्यार नहीं करती, और एक तरह से देखा जाए तो वो मतलब ऐसा करके उसने गलत किया, और मतलब कि मॉरली नैतिक रूप से ऐसा करना गलत था कि अपने उसके पिता के मरने के जस्ट बाद ही उसने शादी कर ली। तो एक तरह से उन्होंने जो लोग हैं जनता है उसके सामने देखा जाए तो हैमलेट की इज्जत उसने कम कर दी उसकी मदर ने जल्दी से शादी करके। और जो दूसरी लेडी है ऑफेलिया जो कि एक तरह से हैमलेट की लवर है, लेकिन हैमलेट को लगता है कि ऑफेलिया ना उसकी लवर तो है लेकिन कहीं ना कहीं वो उस षड्यंत्र का पार्ट है जो कि उसके खिलाफ रचा जा रहा है। हालांकि रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो ऑफेलिया उसके खिलाफ षड्यंत्र का पार्ट है, लेकिन जस्ट हैमलेट को ऐसा लगता है। तो इस तरह से जो हैमलेट है वो दोनों वीमेन करेक्टर्स हैं इस प्ले के अंदर उनके अगेंस्ट में रहता है कहीं ना कहीं, और इसी कारण से जो दोनों करेक्टर्स हैं वो अंत में एक तरह से मर भी जाते हैं। जो ऑफेलिया है वो पागल हो जाती है, पागल होने के बाद में वो खुद की लाइफ ले लेती है, सुसाइड कर लेती है एक तरह से। और पागल किस वजह से होती है, वो तीन आदमियों की वजह से, क्लॉडियस पोलोनियस और हैमलेट, इन तीनों की वजह से वो एक तरह से मैड हो जाती है और खुद की लाइफ ले लेती है। और जो गर्ट्रूड है मदर है हैमलेट की वो भी अंत में मर जाती है।
हालांकि उसके मरण जो जिस तरह से वो मरती है उस तरह से मतलब एक तरह से एक मतलब डाउट रहता है कि उसका हैमलेट के पिता की हत्या के अंदर कितना रोल रहा था। तो इस तरह से जो ये वुमेन वाली थीम है वो एक तरह से काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करती है इस प्ले के अंदर। हालांकि जो वीमेन है उनकी बहुत ज़्यादा चलती नहीं है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा सेइंग नहीं है, एक तरह से वो पैसिव करेक्टर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्रिटिकल रोल्स प्ले करती हैं इस प्ले के अंदर। तो जो ये नेक्स्ट जो थीम है डाउट, ये डाउट भी एक काफ़ी क्रिटिकल थीम है इस प्ले की, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हैमलेट है वो पूरे प्ले के दौरान डाउट में रहता है, और जिस डाउट में वो हैमलेट रहता है उन डाउट्स के कारण से वो और जो करेक्टर्स हैं उनको भी डाउट में रखता है। फॉर एग्जाम्पल जो हैमलेट के पिता का जो घोस्ट है वो आके उसे बताता है कि तुम मेरी हत्या का बदला लो क्लोडियस से। तो जो हैमलेट है उसे लगता है क्या उसे इस घोस्ट पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो और पुख्ता सबूत चाहता है इस बात को कंफर्म करने के लिए जो क्लोडियस है उसने ही उसके पिता को मारा था। और जो उसकी एक सोलियोलोकी है वो खुद से बात करता है, खुद के अंतर्मन से बात करता है टू बी और नॉट टू बी, कि उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो सस्पेक्ट करता है कि उसे खुद को ही मार लेना चाहिए ताकि जो ये बदला लेने की चीज़ है वो ख़त्म ही हो जाए। तो जब वो खुद को मारने की कोशिश करता है, सुसाइड करने की कोशिश करता है, तो वो सोचता है कि अगर मैं खुद का सुसाइड करता हूँ, खुद को मार लेता हूँ, तो नो जो आफ्टर डेथ, डेथ के बाद लाइफ होती है तो वो कैसी होगी, इस बात के बारे में वो अनसर्टेन है, अनिश्चित है कि जो मृत्यु के बाद अगर जीवन है तो वो कैसा है। तो उस चीज़ के बारे में वो डाउटफुल रहता है, इस कारण से वो खुद को भी नहीं मारता है और डाउट में रहता है। तो बहुत सारे डाउट्स हैं प्ले के अंदर कि जो हैमलेट की बातों से कई बार ऐसा लगता है कि वो ऑफेलिया को सच में प्यार करता भी है या नहीं करता है। जो हैमलेट की मदर है वो गर्ट्रूड, वो क्या क्लोडियस से पहले से प्यार करती थी, उसके अपने हस्बैंड को ख़त्म करने से पहले ही वो क्या उससे वो प्यार करती थी, नहीं करती थी। जो हैमलेट है वो वास्तव में पागल है या नहीं है। जो हैमलेट की मदर गर्ट्रूड है क्या वो भी उसके पिता को मारने के षड्यंत्र में शामिल थी, नहीं थी। तो इस तरह के बहुत सारे डाउट्स इस प्ले के दौरान रहते हैं, और क्योंकि इतने सारे डाउट्स इस प्ले के दौरान रहते हैं इतनी सारी चीज़ों पर, इतने सारे फैक्ट्स पर, इस कारण से डाउट भी एक इम्पोर्टेंट थीम है इस प्ले का। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस प्ले के सारी थीम्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं इस प्ले की इम्पोर्टेंट सिम्बल्स को, सिम्बल्स को डिस्कस करते हैं। इस प्ले के अंदर जो इम्पोर्टेंट सिम्बल्स हैं वो है नंबर 1 घोस्ट, देन फ्लावर्स, देन स्कल, वेदर, ग्रेवयार्ड, माउस ट्रैप, फेंसिंग स्वॉर्ड्स, हैमलेट्स कॉस्ट्यूम एंड देन पॉइजन। अब हम 1 बाय 1 इन सिंबल्स को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट वन है वो है घोस्ट। तो जो हैमलेट प्ले है इसके अंदर जो घोस्ट अपीयर होता है, जो कि सीमिंगली हैमलेट के फादर का घोस्ट है, वो सिंबलाइज करता है कि आगे अब प्ले के अंदर टफ टाइम आने वाला है, काफ़ी ख़राब टाइम आने वाला है, और इसकी प्रेजेंस एक तरह से सुपर नेचुरल पावर्स की जैसे प्रेजेंस है इस प्ले के अंदर, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं डिफिकल्ट टाइम्स जो आने वाले हैं अब फॉर द हैमलेट। हैमलेट के लिए भी डिफिकल्ट टाइम आने वाला है, क्योंकि वो जो घोस्ट है उसको सोचने में मजबूर कर देता है कि क्या उसके पिता की हत्या हुई थी, तो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करता है और काफ़ी परेशान रहता है। और डिफिकल्ट टाइम आने वाला है क्लोडियस के लिए भी, और नॉट जस्ट फॉर क्लोडियस, पूरे एक तरह से डेनमार्क के लिए खराब टाइम आने वाला है। तो एक तरह से जो घोस्ट है वो मतलब सिंबॉलिक है बैड ओमेन का, बैड ओमेन का, एक खराब भविष्यवाणी का सिंबॉलिक है डेनमार्क के स्टेट के लिए और उसके रूलर क्लोडियस के लिए। तो जो ये नेक्स्ट सिंबल है फ्लावर, ये फ्लावर वाला सिंबल तब अपीयर करता है जब जो ऑफेलिया है, जो कि लवर है, गर्लफ्रेंड है हैमलेट की, जब वो अपना माइंड लूज कर देती है, एक तरह से पागल हो जाती है, मैड हो जाती है, तब वो ये फ्लावर वाला सिंबल अपीयर होता है इस प्ले के अंदर। वो हर करेक्टर को, सबको जाकर फ्लावर्स देने लग जाती है, जिससे भी वो मिलती है वो सबको जाकर फ्लावर्स देती है, और जो हर फ्लावर है उसका मानना ये है कि जो हर फ्लावर है वो किसी न किसी करेक्टरिस्टिक विशेषता को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जो ये फ्लावर है रोज मेरी, वो रिमेम्बरेंस,
याद को, किसी की याद को रिप्रेजेंट करता है। जो पैंसी नाम का फ्लावर है वो किसी विचार को, थॉट को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से हर फ्लावर किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ऑफेलिया है, इस तरह से सबको अपने फ्लावर्स देकर वो खुद के पेन, खुद के दर्द को एक्सप्रेस कर रही है। खुद का जो ना उसने हैमलेट के हाथों जो उसको बिट्रेल मिला है उसको वो एक्सप्रेस कर रही है। तो जो उसके पिता की मृत्यु और जो हैमलेट उस पर टोंट करता है, वो एक तरह से उस इन दो चीज़ों ने उसको पागल कर दिया है। और जो फ्लावर्स है वो सिंबलाइज कर रहे हैं उसके अंदर के दुख को, उसके अंदर के टर्मोइल को, उसके अंदर की परेशानी को, और आल्सो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके फेथफुलनेस को, उसकी फेथफुलनेस को कि वो वफादार थी हैमलेट के प्रति। इन चीज़ों को फ्लावर्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ये नेक्स्ट सिंबल है स्कल, नेक्स्ट सिंबल स्कल है, वो स्कल जो योरिक है, जो कि कोर्ट में एक जेस्टर है, जेस्टर मतलब जो हंसी मजाक करता है, तो जो कोर्ट में जो जेस्टर है उसका स्कल है, वो रिप्रेजेंट करता है डेथ को, डिके एंड यूजफुलनेस ऑफ ए पर्सन आफ्टर हिज डेथ। मतलब कि अल्टीमेटली जो पर्सन अगर मर जाता है तो वो बिल्कुल यूजलेस हो जाता है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जो स्कल है वो। तो ये उस डेड पर्सन का एक फिजिकल रेमनेंट है जो कि एक ओमेन है, एक भविष्यवाणी सी है कि इस लाइफ के बाद में उसके साथ में क्या फेस करेगा वो, क्या होगा इस लाइफ के बाद में उसका क्या होगा, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और ये स्कल हैमलेट को बताता है कि हैमलेट को मतलब इस चीज़ को सोचने मजबूर कर देता है कि जो लाइफ आफ्टर डेथ, डेथ के बाद में लाइफ कैसी होगी, इस चीज़ के बारे में सोचने को मजबूर कर देता है। और उसको खुद को लगता है कि वो भी फाइनली बिल्कुल मतलब इस डस्ट धूल में उड़ जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा वो भी एक तरह से। और जो स्कल है वो रिमाइंड कराता है कि चाहे से कोई कितना ही बड़ा सा बड़ा राजा क्यों ना हो, जैसे सीजर था, सीजर एक बहुत बड़ा राजा था, लेकिन मृत्यु होने पर वो ख़त्म हो जाएगा एक तरह से, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और डेथ जो मृत्यु है वो किसी को भी नहीं छोड़ती, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती, अंततः सबको अपने आवेश में ले ही लेती है। तो कुल मिला के जो बात है वो स्कल रिप्रेजेंट करता है डेथ को, कि डेथ इज द अल्टीमेट रियलिटी इन दिस वर्ल्ड। तो जो नेक्स्ट सिंबल है वेदर, मतलब मौसम, वो रिप्रेजेंट करता हूँ, जो मौसम है वो रिप्रेजेंट करता है किस तरह की परिस्थितियाँ होने वाली हैं। अगर अच्छा मौसम है तो मतलब अच्छी परिस्थितियाँ हैं, खराब मौसम है तो मतलब खराब परिस्थितियाँ हैं। और यहाँ पर इस प्ले के अंदर जो फर्स्ट सीन है, जब जो ओल्ड हैमलेट है, मतलब जो हैमलेट के पिता का घोस्ट जब आता है, तो उस वक्त जो वेदर होता है वो फ्रिजिड और फॉगी, मतलब धुंध सा और फॉग हो रही होती है, मतलब उस तरह का एक फॉगी और फॉग हो रही होती है, धुंध हो रही होती है, उस तरह का सा वेदर होता है। तो वो जो ये चीज फॉग वाली जो चीज है, फॉग वाला जो वेदर, वो रिप्रेजेंट करता है कन्फ्यूजिंग स्टेट को, मतलब कन्फ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। और ये बताता है कि जो आगे सिचुएशन बनने वाली है वो कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन बनने वाली है, और हर जो भी परिस्थितियाँ रहेगी उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहेगा, अनक्लियर रहेगा और कन्फ्यूजन मेंटेन रहेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर अच्छा मौसम है तो अच्छा साइन है वो अच्छा टाइम के लिए, और खराब मौसम है तो खराब साइन समय को रिप्रेजेंट करता है। और अगर जो मौसम है वो धुंध वाला है, फॉग वाला है, तो वो कन्फ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि इस प्ले के अंदर होता है। जो नेक्स्ट जो सिंबल है वो है ग्रेवयार्ड का। ग्रेवयार्ड का ये सिंबल है, इसने हैमलेट को शुरू से ही काफ़ी परेशान किया है। ग्रेवयार्ड मतलब एक तरह से वो कब्रिस्तान। तो ग्रेवयार्ड में जो ग्रेव डिगर होता है वो हैमलेट के प्रश्नों को जवाब देते हुए फिलोसफिकल आंसर देता है कि जो यहाँ पर स्कल्स हैं ग्रेवयार्ड में, जो स्कल है चाहे से वो किसी राजा की हो या किसी भिखारी के लिए, भिखारी की हो, उनके लिए सब बराबर है। मतलब यहाँ ग्रेवयार्ड में आने के बाद में, मरने के बाद जब इंसान यहाँ ग्रेवयार्ड में आता है तो उनका जो भी पॉलिटिकल स्टेटस है वो सब खत्म हो जाता है, चाहे से वो भिखारी हो, राजा हो, कोई मर्चेंट हो, कुछ भी हो, वो सब खत्म हो जाता है। और वो सिर्फ यहाँ पर सब इक्वल हो जाते हैं, सब इक्वल हो जाते हैं, यहाँ पर ना कोई भिखारी है ना कोई राजा है, वो सब इक्वल हो जाते हैं। तो जो ग्रेवयार्ड है वो सिग्निफाई कर रहा है एक ऐसी जगह को जहाँ पर जो लोग हैं आते हैं मृत्यु होने के पश्चात, तो वो सब बराबर हो जाते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब वो जी रहे थे तब वो राजा थे या भिखारी थे, लेकिन यहाँ ग्रेवयार्ड
कब्रिस्तान में आने के बाद में वो सब बराबर हो जाते हैं, और जो ग्रेवयार्ड के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि जो ये डेड बॉडी है, जो ये स्कल है, राजा का है या भिखारी का है, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिला के जो ग्रेवयार्ड है वो सिंबलाइज कर रहा है कि जैसे कोई भी बंदा राजा हो या रंक हो या भिखारी हो, कुछ भी हो, ग्रेवयार्ड में आने के बाद में सब इक्वल हो जाते हैं, सब समान हो जाते हैं। जो नेक्स्ट जो सिंबल है वो है माउस ट्रैप का। जो माउस ट्रैप है ये प्ले है जिसका टाइटल है द मर्डर ऑफ गोंजैगो, द मर्डर ऑफ गोंजैगो, ठीक है। तो इसके अंदर ये प्ले करा जाता है माउस ट्रैप करने के लिए। हैमलेट ने अपने हिसाब से इसमें स्पीच डाली है, अपने हिसाब से इसके अंदर जो इसकी स्टोरी लाइन और जो इसकी स्क्रिप्ट है वो अपने हिसाब से डाली है। और एक्चुअली इस प्ले के अंदर जो भी करेक्टर्स होते हैं वो एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रियल लाइफ करेक्टर्स को जो कि इस प्ले को देख रहे हैं। मतलब जो रियल करेक्टर्स जब इस प्ले को देखते हैं तो इस प्ले के अंदर सेम जो घटनाएं हो रही हैं वो वही घटनाएं हैं जिस तरह से उन करेक्टर्स ने जो हैमलेट के पिता की हत्या की थी, तो किस तरह से उन्होंने हैमलेट के पिता की हत्या की थी वो सारा का सारा उस प्ले के अंदर दिखाया जाता है। तो इससे उद्देश्य यह है, हैमलेट उन सब करेक्टर्स के जो रियल करेक्टर्स हैं उनके चेहरे देखता है कि इस प्ले को देखने के बाद में उनके चेहरों पर मतलब क्या साइंस आते हैं, और क्या उसकी जो मदर है उसको रियलाइज होता है कि उसने ये गलती की है, और क्या वो अपने क्राइम को कन्फेस करेगी, या फिर कम से कम एटलीस्ट उसको गिल्ट तो हो कि जो उसने किया है वो गलत किया है। तो इस तरह से ये जो प्ले है एक तरह से माउस ट्रैप है, और चलाकर ये प्ले इस तरह से डिजाइन किया है, और इसमें जो भी स्टोरी स्क्रिप्ट है वो रियल है, जो भी रियल करेक्टर्स है, जो रियल करेक्टर्स ने जैसा किया था रियलिटी के अंदर वैसी ही स्टोरी इसमें है, ताकि जो रियल करेक्टर्स है उनके फेस के एक्सप्रेशंस को देखकर हैमलेट इस बात का अंदाजा लगा सके कि हाँ वास्तव में इन करेक्टर्स ने उसके पिता की हत्या की थी। तो ये जो स्टोरी है वो सिम्बोलिकल है उस ट्रैप की जो कि हैमलेट ने रियल कल्प्रिट्स को पकड़ने के लिए वो ट्रैप बिछाया है। तो जो नेक्स्ट सिंबल है वो है फेंसिंग स्वॉर्ड्स। फेंसिंग स्वॉर्ड्स हैमलेट जो प्ले है उसके एंड में फाइनल सीन के अंदर जो ड्यूल होती है लेटस और हैमलेट के बीच में उस वक्त यूज में आता है। जो फेंसिंग स्वॉर्ड का मतलब ये है कि साइन है, फेंसिंग स्वॉर्ड साइन है करेज का, ब्रेवरी का और विल पावर का, कि रिवेंज लेने की विल पावर का एक तरह से साइन है, सिंबल है। और जो दोनों के दोनों करेक्टर्स हैं हैमलेट और लेटस, वो दोनों एक दूसरे से बदला लेना चाहते हैं, और इस कारण से वो एंगेज होते हैं फेंसिंग स्वॉर्ड्स लेकर, वो एंगेज होते हैं और एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, और इस दौरान वो दोनों के दोनों ही उस फाइट के अंदर मारे जाते हैं। तो इस तरह से जो फेंसिंग स्वॉर्ड्स है वो सिंबलाइज करती है वायलेंस को और डेथ्स को। जो नेक्स्ट थीम है वो है हैमलेट की कॉस्ट्यूम। इस पूरे प्ले के अंदर जो हैमलेट है वो डार्क ब्लू या ब्लैक कलर की ड्रेस पहन के रखता है, जो एक तरह से सिंबॉलिक है कि वो अपने पिता की मृत्यु पर मौन कर रहा है, मतलब दुख व्यक्त कर रहा है, और वो काफ़ी परेशान है अपनी पिता की हत्या से, काफ़ी परेशान है, इस कारण से वो ब्लैक ड्रेस पहन के रखता है। हालांकि उसकी मदर उसको बोलती है कि वो अभी ब्लैक ड्रेस पहनना बंद कर दे, लेकिन इसके बावजूद वो उसको पहन के रखता है। इससे पता लगता है कि जो हैमलेट है वो बाहर के आउटवर्ड अपीयरेंस से उसको कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर जो गुस्सा है और वो जो बदला निकालना चाहता है और खुद के पिता की हत्या का बदला लेना चाहता है वो उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो इस तरह से जो हैमलेट की जो ड्रेस है ब्लैक ब्लू डार्क ब्लू ब्लैक कलर की जो ड्रेस है वो रिप्रेजेंट करती है जो हैमलेट के अंदर जो दिल के अंदर उसके दिल के अंदर जो गुस्सा है, उसके दिल के अंदर जो एक दुख है और रिवेंज बदला लेने की भावना है, उस चीज़ को वो उसकी कॉस्ट्यूम रिप्रेजेंट करती है। जो नेक्स्ट सिंबल है वो है पॉइजन का, जहर का। पॉइजन एक तरह से रिकरिंग सिंबल है इस प्ले के अंदर, बार बार में वो वेरियस सीन्स के अंदर आता है। स्पेशली जब घोस्ट अपीयर होता है, हैमलेट का फादर का घोस्ट आता है, वो बोलता है हैमलेट को कि
उसको क्लोडियस ने ना जहर देकर मारा है। हैनबेन नाम का एक जहर है जो कि उसके कान में डाल दिया और कान से होते हुए वो उसके ब्लड में चले गया और उसके ब्लड को उसने ब्लॉक कर दिया। इस कारण से वो इंस्टेंटली मर जाता है, तो पॉइजन ने उसको मार दिया। तो इस तरह से जो किसी पर्सन को पॉइजन देने का मतलब है, एक षड्यंत्र रचा गया है, सिंबलाइज करता है ये पॉइजन जो वर्ड है, सिंबलाइज करता है एक कॉन्स्पिरेसी को, बिट्रेल को, कि धोखाधड़ी की है, डिसेप्शन को, ट्रीचरी को, किसकी किस तरह से गद्दारी की गई है हैमलेट के पिता के साथ में। उसको मारा गया जहर देकर, तो मतलब एक तरह से बिट्रेल, डिसेप्शन, ट्रीचरी, कॉन्स्पिरेसी, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है पॉइजन। और ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्लोडियस की। तो कुल मिलाकर जो पॉइजन है वो रिप्रेजेंट करता है क्लोडियस के इविल करेक्टर को, क्योंकि उसने हेमलेट के पिता को षड्यंत्र करके जहर देकर मारा। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने जो इस प्ले की जो सारे सिंबल्स हैं उनको डिस्कस कर लिया है। अब हम इस प्ले के इंपॉर्टेंट मोटिव्स को डिस्कस करते हैं। तीन इंपॉर्टेंट मोटिव्स हैं इस प्ले के अंदर। पहला इंसेस्ट, दूसरा मिसोगाइनी, तीसरा ईयर्स एंड हियरिंग। तो फर्स्ट वन इज इंसेस्ट, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जो ये इंसेस्ट वाली थीम है, जो इंसेस्टुअस डिजायर वाली जो थीम है, वो इस पूरे प्ले के अंदर कहीं ना कहीं रहती है। स्पेशली जो गर्टिट्यूड है और क्लोडियस है, जो गर्टिट्यूड वो हेमलेट की मदर और क्लोडियस जो हेमलेट का अंकल और स्टेप फादर है, इन गर्टिट्यूड और क्लोडियस के बीच में जो इंसेस्टुअस डिजायर है, जो इंसेस्ट रिलेशनशिप है वो है, क्योंकि ये पहले ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ है एक दूसरे के, लेकिन अब वो एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हो गए हैं क्योंकि उन्होंने शादी कर ली है। तो एक तरह से जो उनका रिलेशनशिप है वो हेमलेट की नज़र में एक इंसेस्टुअस रिलेशनशिप है। और जो इंसेस्ट वाला जो मोटिव है वो कहीं ना कहीं लेटेस और ऑफेलिया जो कि ब्रदर एंड सिस्टर है उनमें भी कहीं ना कहीं फाइंड होता है, क्योंकि जो लेटेस है वो कहीं ना कहीं अपनी सिस्टर से कुछ सेक्सुअल टर्म्स में बात करता है, और स्पेशली उसके फ्यूनरल पर वो उसके ग्रेव में उसको मतलब एक तरह से अपनी बाहों में भर लेता है। तो कहीं ना कहीं एक इंसेस्ट वाली थीम वहां पर भी आती है। लेकिन जो सबसे स्ट्रांग इंसेस्टुअस डिजायर है वो है हैमलेट और उसकी मदर गर्टरूड के बीच में, क्योंकि हैमलेट कभी भी नहीं चाहता था कि जो जो गर्टरूड है, जो उसकी मदर है, वो क्लोडियस से शादी करे और जो उसके साथ में रिलेशनशिप में रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में ये डिजायर थी कि वो उसके पास में ही रहे, उसके साथ में ही रहे। तो कुल मिला के जो इंसेस्ट और इंसेस्टुअस डिजायर वाली जो मोटिव है वो इस प्ले का एक काफी इंपॉर्टेंट मोटिव है। नेक्स्ट जो मोटिव है वो है मिसोगाइनी। तो ये जो मिसोगाइनी वाला जो मोटिव है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है इस प्ले के अंदर। जैसा कि हम देखते हैं कि जो हैमलेट है वो अपनी मदर के डिसीजन से, क्लोडियस से जो उसने शादी कर ली गर्टरूड ने, उस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। स्पेशली इतनी जल्दी उसके पिता की मृत्यु के बाद इतनी जल्दी उसने शादी कर ली, तो इस बात से हैमलेट काफ़ी नाराज है और उसे ये लगता है कि ऐसा करके उसकी मदर ने काफ़ी गलत किया है। और वो एक तरह से जो वुमेन है, औरत है एक तरह से, उनके प्रति एक तरह से वो मतलब ऐसा सोचने लग जाता है कि जो हर वुमेन है वो खराब ही होती है, गलत ही होती है। और वो कहीं ना कहीं जो फीमेल सेक्सुअलिटी है और उनका जो नैतिक पतन है उसको वो लिंक कर देता है। जैसे देखा है तो जो हैमलेट है वो कहीं ना कहीं मतलब उसके दिल में एक तरह से हैट्रेड फॉर वुमेन डेवलप हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ऐसा भी लगता है कि उसकी जो मदर है वो उसके पिता की हत्या के षड्यंत्र में शामिल है। तो इस कारण से भी वो वुमेन को इन जनरल थोड़ा सा हेट करने लग जाता है। और यहाँ तक कि वो खुद की जो लवर है ऑफेलिया को, वो यहाँ तक बोलता है कि उसे कहीं ना उसको नन्री में चले जाना चाहिए। नन्री मतलब एक तरह से जहाँ नन्स, यहाँ जाके मतलब देखे जाए तो जो फीमेल वुमेन प्रिस्ट जो औरत पादरी होती है वो जहाँ रहती है उसको नन्री बोलते हैं, तो वहाँ चले जाए तो ज़्यादा सही रहेगा।
अगर वो वहाँ नहीं जाएगी तो एक तरह से वो भी ओफेलिया है, वो भी उसकी मदर की जैसे बन जाएगी, और वो भी कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअलिटी और मॉरल करप्शन उसके अंदर भी हो जाएगा। तो इससे बेटर तो ये है कि जो ओफेलिया है वो किसी नंदरी में चले जाए ताकि वो इन सब चीज़ों से दूर हो जाए। तो कुल मिला के जो हैमलेट है वो जो फीमेल करेक्टर्स है, दोनों फीमेल करेक्टर्स है, उसकी मदर एंड उसकी लवर, दोनों को वो गलत समझता है और दोनों के अगेंस्ट जाता है, दोनों को कुछ ना कुछ वो गलत बोलता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ फिक्स हो चुकी है कि जो वुमेन है कहीं ना कहीं करप्ट होती हैं, गलत होती हैं, ऐसा उसके दिमाग में फिट हो गया है। तो एक तरह से उसके दिमाग में कहीं ना कहीं हैट्रेड फॉर वुमेन डेवलप हो गया है, जिसे हम मिसोगैनी कहते हैं। तो जो ये नेक्स्ट मोटिव है, ईयर्स एंड हियरिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट मोटिव है इस प्ले का। तो जो ईयर्स और हियरिंग वाला मोटिव है वो कुछ इस तरह से काम करता है कि जो जनरली जो वर्ड्स होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं, यूज़ आते हैं कम्युनिकेट करने के, आइडियाज़ कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि हम शब्दों का यूज़ करते हैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम शब्दों का, वर्ड्स का यूज़ करते हैं ट्रुथ, सच को झूठ बनाने के लिए और झूठ को सच दिखाने के लिए। मतलब वर्ड्स को, अगर कोई इंटेलिजेंट आदमी है तो वर्ड्स को मैनिपुलेट करके सच को छुपा सकता है और झूठ को दिखा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस प्ले के अंदर जो क्लोडियस है वो काफ़ी श्रूड, काफ़ी चालाक पॉलिटिशियन है, और वो अपने शब्दों को इस तरह से, शब्दों का जो मायाजाल पैदा करता है वो इस तरह से पैदा करता है कि लोगों को जो सच है वो झूठ लगने लग जाता है, और जो झूठ है वो सच लगने लग जाता है। और इस प्ले के अंदर हर जगह कहीं ना कहीं जो इमेजेस ऑफ ईयर्स और हियरिंग की इमेजेस दिखाई जाती है, वो इसीलिए दिखाई जाती है कि जो लोग हैं वो जो सुन रहे हैं, लोग जो सुन रहे हैं हो सकता है वो गलत हो, और जो वो नहीं सुन रहे हैं, जिसका उन्हें पता नहीं है, वो सच कुछ और है। और जो क्लोडियस ने जो हेमलेट के पिता की हत्या की थी वो उसके कान में, ईयर में जहर डालकर की थी, वो ईयर में जहर डालने के बाद ही जो क्लोडियस है उसको मार देता है राजा को। तो जो हेमलेट के पिता का जो घोस्ट है, जब आके वो ये चीज़ बताता है कि जो क्लोडियस है उसने उसके कान के अंदर, ईयर के अंदर जहर डाला था, ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है, सिंबलाइज करती है कोरोजिव इफेक्ट ऑफ क्लोडियस डिसऑनेस्टी ऑन द हेल्थ ऑफ डेनमार्क। मतलब ऐसा करके उसने मतलब जो डेनमार्क है उसको पूरे को, मतलब एक तरह से मॉरली करप्ट कर दिया है। डेनमार्क के लोगों को उसने ये बताया कि जो राजा है, जो हैमलेट का पिता है, वो स्नेक के काटने से मरा है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं था, वो मरा था क्लोडियस के द्वारा, जहर जो दिया गया था उसके कान में डालकर जहर देके उसे मार दिया गया था। तो कुल मिला के बात ये है कि क्योंकि जो क्लोडियस है उसने हैमलेट के पिता के कान में जहर डाल के मारा था, तो एक तरह से उसने जो पूरा डेनमार्क है, उस पूरे डेनमार्क के कान के अंदर, पूरे डेनमार्क के ईयर के अंदर उसने जहर डाल दिया, इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उसने पूरा झूठ बोलकर, सब कुछ झूठ बोलकर उसने डेनमार्क के लोगों को मतलब झूठ बोला है, और उनके कानों के अंदर झूठ को फीड किया है, और एक तरह से झूठ का जहर पूरे डेनमार्क के लोगों के कानों के अंदर डाला है। तो जो बॉटम लाइन है वो ये है कि जो ईयर्स और हियरिंग वाला जो मोटिफ है वो रिप्रेजेंट करता है कि अगर कोई भी शब्दों के खेल को खेल सकता है, तो वो शब्दों को खेल के झूठ को आपके कानों के अंदर डाल सकता है, और आपको झूठ ही सुनने को मिलेगा। अगर कोई मैनिपुलेट करने वाला बंदा है तो वो आपके कानों में झूठ डालेगा और आपको झूठ सुनाएगा, और उस झूठ से आपको, वो झूठ ही आपको सच लगेगा। तो इस तरह से जो ईयर्स और हियरिंग वाला मोटिव है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मोटिव है इस प्ले के अंदर। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस हैमलेट प्ले के थीम्स को, सिंबल्स को और मोटिव्स को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और आप इसको काफ़ी अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। और कभी भी हैमलेट के थीम्स, सिंबल और मोटिव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छी तरह से लिख पाएंगे, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।